गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेंस, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू फर्स्ट चैप्टर ऑफ इंग्लिश ग्रामर स्टैंडर्ड थर्ड। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट चैप्टर इज रिव्यू ऑफ सेंटेंस, वाक्यों का पुनर्वलोकन। पिछली कक्षा में आप पढ़ चुके हैं सेंटेंस के बारे में, उसको हम फिर से अवलोकन उसका करेंगे, ठीक है। अ सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस और मीनिंग। वाक्य शब्दों का समूह है जिसका पूर्ण अर्थ या मतलब होता है। ओके, द सेंटेंस विच डज नॉट मेक अ कंप्लीट सेंस, वह वाक्य जो पूर्ण अर्थ नहीं बनाता है, इज कॉल्ड इनकरेक्ट सेंटेंस, उसे हम अशुद्ध वाक्य कहते हैं, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल। चलिए निम्नलिखित उदाहरण से समझते हैं इसको। इनकरेक्ट सेंटेंस यहाँ दिया गया है, फीलिंग एम आई थर्स्टी वेरी। यह क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि यह फिक्स ऑर्डर में नहीं है। सेंटेंस तभी कंप्लीट सेंस में होता है जब वह फिक्स ऑर्डर मतलब वह निश्चित क्रम में होता है, और यह निश्चित क्रम में नहीं है, इसलिए इसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं है। करेक्ट सेंटेंस क्या है? आई एम फीलिंग वेरी थर्स्टी, मैं बहुत प्यास महसूस कर रहा हूँ। इनकरेक्ट सेंटेंस, गोइंग इज ही टू स्कूल। यह इनकरेक्ट सेंटेंस इसलिए है क्योंकि यह फिक्स ऑर्डर में नहीं है। इसका करेक्ट सेंटेंस क्या है? He is going to school. वह स्कूल जा रहा है। Okay, students? Correct sentence. Incorrect sentence है, the table is plain on the. ये फिक्स ऑर्डर में नहीं है, क्रमबद्ध में नहीं है। इसका करेक्ट सेंटेंस होगा, the pen is on the table. कलम मेज पर है। Okay? Remember. याद रखिए क्या? अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिन्स विथ अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स आइदर विथ अ फुल स्टॉप, अ क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेटरी साइन। सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है, ठीक है, और हमेशा कहाँ समाप्त होता है? फुल स्टॉप पर, या क्वेश्चन मार्क, या फिर एक्सक्लेमेशन, विस्मयादबोधक चिन्ह, ठीक है, और इसी पर समाप्त होता है एक सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सेंटेंसेस आर ऑफ फोर काइंड्स। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर फोर काइंड्स ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट असर्टिव सेंटेंस, सेकेंड इंटरोगेटिव सेंटेंस, थर्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड फोर्थ इम्परेटिव सेंटेंस। तो हम इसके विषय में पढ़ते हैं वन बाय वन करके। फर्स्ट असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? अ सेंटेंस दैट से समथिंग पॉजिटिव और निगेटिव इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। वह वाक्य जो हमें साधारण या नकारात्मक के बारे में बताता है, साधारण या नकारात्मक वाक्य के बारे में बताता है, उसे हम असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, ठीक है। इट एंड्स विथ अ फुल स्टॉप, यह फुल स्टॉप पर समाप्त होता है। फॉर एग्जांपल, यू कैन सी हियर, फर्स्ट ही वुड लाइक टू टेक ए कप ऑफ टी, वह एक कप चाय लेना पसंद करेगा। सेकेंड, ही वुड नॉट लाइक टू टेक कॉफ़ी, वो कॉफ़ी लेना पसंद नहीं करेगा। मतलब फर्स्ट वाला आपका हो गया पॉजिटिव सेंटेंस एंड सेकेंड वाला क्या हो गया? वो निगेटिव सेंटेंस हो गया। ओके, टर्न द पेज। सेकेंड इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाची वाक्य। When a sentence asks something, जब कोई वाक्य कुछ पूछता है,
इट इज कॉल्ड अ क्वेश्चन आर इंटरोगेटिव सेंटेंस, तब इसे प्रश्न या प्रश्नवाची वाक्य कहते हैं। इट एंड्स विथ अ क्वेश्चन मार्क, यह क्वेश्चन मार्क पर समाप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल हु आर यू, तुम कौन हो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है, इसलिए क्या हुआ, इंटरोगेटिव सेंटेंस। वेयर इज योर ब्रदर, तुम्हारा भाई कहाँ है। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। इस वाक्य से बच्चों क्या समझ में आ रहा है, कुछ पूछ रहा है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, पूछता है, ठीक है, तो वही क्या कहलाता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट थर्ड है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें आदिबोधक वाक्य। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस सडन स्ट्रांग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस सॉरो और सरप्राइज इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, वह वाक्य जिसमें खुशी प्रसन्नता को, दुख को, आश्चर्य को व्यक्त किया जाता है, वह क्या कहलाता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाता है। इट बिगिंस विथ कैपिटल लेटर एंड हैज एन एक्सक्लेमेटरी मार्क, यह कैपिटल लेटर से प्रारंभ होता है और इसके अंत में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा होता है। दी सेंटेंस में बिगिन विथ इंटरजेक्शन लाइक ओ वाओ हरी, इस सेंटेंस के अंत में या फिर पहले, ठीक है, वाक्य होते हैं ओ वाओ और ये एक्सक्लेमेटरी साइन यानी चिन्ह लगा होता है। फॉर एग्जाम्पल हेलो व्हाट आर यू डूइंग हियर, सेकेंड हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, थर्ड हुश द बेबी इज स्लीपिंग, फोर्थ है अलास इज डेड, ये देख रहे हैं अलास इज डेड, ये अपनी दुख को प्रकट कर रहा है और यह अपनी खुशी को, थर्ड है यह अपनी खुशी को प्रकट कर रहा है कि हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, और थर्ड है हुश द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है, और ये अपने आश्चर्य को व्यक्त कर रहा है, हाउ ब्यूटीफुल द गर्ल इज, लड़की कितनी सुंदर है। नेक्स्ट देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में मीन्स होता है आज्ञा सूचक वाक्य। व्हेन अ सेंटेंस एक्सप्रेस अ कमांड आर अ रिक्वेस्ट इट इज कॉल्ड एन इंपरेटिव सेंटेंस, जब वाक्य रिक्वेस्ट और कमांड के भाव को दर्शाता हो तो उस क्या कहलाता है, आज्ञा सूचक वाक्य कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, क्या कह रहा है, ये आज्ञा दे रहा है, दरवाजा खोलो। कम हियर, यहाँ आओ। डोंट टॉक टू मी, मुझसे बातें मत करो, क्या कर रहा है, ये मना कर रहा है, यहाँ आज्ञा दे रहा है। फोर्थ है प्लीज हेल्प मी, ये क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट, इस वाक्य में रिक्वेस्ट कर रहा है, कृपया मेरी मदद करो। एंड फिफ्थ है गेट आउट फ्रॉम हियर, ये क्या कर रहा है, ये ऑर्डर दे रहा है कि यहाँ से चले जाओ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स दिस टॉपिक इज फिनिश हियर एंड आई विल टीच यू नेक्स्ट टॉपिक और एक्सरसाइज नेक्स्ट डे, ओके थैंक यू।